में आत्मनंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की गई। मोर बिजली मोर ऐप के माध्यम से विद्युत सेवाओं को आसान और सरसुलभ बनाया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित करते हुए सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित किया गया। इस अभियान से बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिल रही है। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण करने के साथ साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत हर महीने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये की सहायता दी जा रही है। केवल 3 महीने में 80,64,00,000 रुपये का भत्ता वितरित किया जा चुका है। हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार 3 वर्षों से केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की है। सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई। अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमों तथा स्व सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रति इंडस्ट्रियल पार्क 2 करोड़ रुपये की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड के सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 1,00,000वें हितग्राही को यहाँ प्रमाण पत्र दिया गया। थोड़े समय में ही इस योजना के लाभान्वित नागरिकों की संख्या में काफ़ी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही है। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में 30 MMU का प्रतीकात्मक शुभारम्भ किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51,00,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम नगरीय क्षेत्रों में विकास की नई बयार लेकर आएगा। मुझे विश्वास है नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए हम सब इसी तरह साथ मिलकर कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ के शहरों के देश में अलग पहचान बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो एक मेमेंटो हमारे 50 लाख से ज़्यादा मरीजों को हम सेवा दे पाए, और माननीय मंत्री जी भी डॉक्टर हैं तो उनको भी डॉक्टर डे की बधाइयां, और इस अवसर पर मोमेंटो देने के लिए माननीय मंत्री जी आमंत्रित। अब इसके साथ साथ MMU की संख्या हमारी 150 होने जा रही है सर, और मितान सर एक मोमेंटो मितान का भी है सर। मितान की सेवाओं में 1,00,000 सर्टिफिकेट जो कंप्लीट हुए सर, ये भी एक राज्य के लिए उपलब्धि है। नीली गाड़ी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए। हाँ। तो सर आज हमारी ये जो नीली गाड़ी है उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मंत्री जी को मोमेंटो देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सारांश जी को। माननीय मंत्री शिव डरिया जी और माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी दोनों को मोमेंटो दिए जाएंगे।
इसके बाद सर यहाँ से सर माननीय मुख्यमंत्री आवास के बाहर 4 गाड़ियाँ फ्लैग ऑफ के लिए रेडी हैं सर, और वहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी रेडी है, और जो हमारे नए मितान हैं लगभग 60 मितान हमारे नए क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ करेंगे, उनमें से 50 मितान यहाँ इकट्ठा हुए हैं सर जो आपसे मिलना चाहेंगे सर। तो यहाँ से सर सारांश आभार प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम फ्लैग ऑफ के लिए वहाँ चलेंगे। अब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, उन सबका मैं विभाग की ओर से सादर अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषद में 58 महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल शिलान्यास, मुख्यमंत्री मितान योजना के 46 नगरीय निकाय में विस्तार तथा मुख्यमंत्री स्लम्स या स्वास्थ्य योजना में 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। मैं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज उन्होंने